हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज टैक्स सेंटर बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इन वीडियो आई विल डिस्कस बिटवीन टू कोर्सेज सी एंड सी डिस्कशन विल बी कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहने वाला है इट्स नॉट अ कम्पेरिजन वीडियो यू कैन कंपेयर बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज सिंपल है यार ये ऑरेंज की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है एंड एप्पल की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ है इट इज सिंपल तो एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं करना है बट हमको ये देखना है कि अपने लिए सुटेबल कौन सा फ्रूट है एप्पल सुटेबल है या फिर ऑरेंज सुटेबल है ठीक है सी ए इज चार्ट अकाउंटेंसी एमबीए बी इज अपना मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल सो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं वो सी को आई एम नॉट कम्पेयरिंग विद नॉर्मल एम बी एस नॉर्मल एम बी एस इन अ सेंस जो अपने मुंबई वगैरह में लोकल कॉलेजेस से होते हैं ना सी ए डिग्री इज़ फार बेटर देन दैट बट यहाँ पे जो अपनी अच्छी कॉलेज से एम बी ए होती है वो उससे सी ए का कंपेरिजन हो रहा है लाइक आई आई एम्स लाइक जे बी आई एम एस लाइक एस पी जन लाइक सिम्बोसिस लाइक एन एम आई एम एस लाइक दैट ठीक है जो भी आपके दिमाग में अच्छे कॉलेजेस है उसके हिसाब से बात चल रही है सबसे पहले बात करते हैं एंट्री एंड एग्जिट के ऊपर सी कोर्स में एंट्री बहुत ईजी है इफ़ यू पास ट्वेल्थ स्टैंडर्ड यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन सी आज के टाइम पे अगर आप टेंथ भी पास हो तो आप प्रोविजनली सी में रजिस्टर करा सकते हो ट्वेल्थ के बाद आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ले लेना ले और उससे पहले पढ़ाई कर लेना बट इतना कुछ पढ़ने का जरूरत होता नहीं है सी ए फाउंडेशन इज़ नॉट दैट इजी नॉट दैट डिफिकल्ट ठीक है बट एम बी ए के लिए आपको आफ्टर ग्रेजुएशन कैट का एग्जाम देना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज का दूसरा भी एग्ज़ाम होता है जैसे जी मैट वगैरह होता है बट बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है जिसमें एम सी क्यू बेस एग्ज़ाम होता है आपको नाइन्टी फाइव परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर करने होते हैं अदरवाइज अच्छे कॉलेज में नहीं मिलेगा नॉर्मल कॉलेज में मिल जाएगा फिर आप उसको सी ए से ऑब्वियसली बात है कंपेयर नहीं कर सकते बट नॉर्मल कॉलेज से आपको एम हो सकती है पर अच्छी जगह से करनी है अच्छे प्लेस से करनी है अच्छे कॉलेज से करनी है तो इतना तो चाहिए सी में कोई कॉलेज वॉलेज का मगजमारी नहीं है मतलब सिंपल सी बात है सीए में एक ही इंस्टीट्यूट है दैट इज आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो डिग्री देता है सीए को करेस्पोंडेंस बेसिस पे आपको कहीं कॉलेज वगैरह नहीं जाना आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना है आपको डिग्री मिल जाएगा बट आपको मेहनत करना पड़ेगा दैट इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव ओनली ठीक है तो एंट्री का सिंपल है सी ए में एम बी ए में एंट्री बहुत डिफिकल्ट है नाइन्टी फाइव परसेंट से ज़्यादा परसेंटेज आएंगे तो ही अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा अदरवाइज तो आप जा ही नहीं सकते बट सी ए में आप एंट्री ले सकते हो पर एग्जिट जो है ना वो डिफ़िकल्ट है सी ए में एंट्री लेना इज सिंपल कि सी ए फाउंडेशन में ट्वेल्थ पास हो एंट्री ले लिया फाउंडेशन लेवल पे रिजल्ट विल बी ट्वेंटी परसेंट टू थर्टी फाइव परसेंट फोर्टी परसेंट अप्रोक्सीमेटली आएगा मीन्स इफ़ यू हंड्रेड स्टूडेंट्स आर अपेरिंग इन फाउंडेशन अप्रोक्सीमेटली थर्टी स्टूडेंट विल क्लियर फाउंडेशन फिर इंटर में आएंगे मैक्मम रिजल्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट आएगा ऑन एन एवरेज फिफ्टीन परसेंट पकड़ता है तो थर्टी का फिफ्टीन परसेंट विल बी फाइव स्टूडेंट सब्जेक्ट जो भी है मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ एंड देन दे विल कम इन फाइनल अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट आएगा टेन परसेंट कभी दो तीन परसेंट भी आ सकता है कभी बीस परसेंट भी आ सकता है मैं एवरेज बात कर रहा हूँ ठीक है अप्रोक्सीमेटली क्लियर सो फाइव का टेन परसेंट विल बी पॉइंट फाइव में अगर हंड्रेड लोग एनरोल होते हैं तो पॉइंट फाइव लोग निकलता है ये कोई डेटा वो नहीं है कि मैंने कहीं से एकदम रिसर्च एंड एनालिसिस ये मैं ऑन एन एवरेज ऐसी बात कर रहा हूँ ठीक है एम बी ए की बात करें एंट्री इज वेरी डिफिकल्ट देखो ना नाइन्टी फाइव परसेंट को तो मिले कितने लोगों का नाइन फाइव परसेंट से ऊपर आने वाला है बहुत रेयर लोगों का आने वाला है उसमें भी वैन वी कम्पेयर सी एंड एम बी ए वी विल थिंक इट्स कॉमर्स के कोर्स है करेक्ट है बट एम बी ए में नाइनटी परसेंट से ज्यादा जो अच्छी कॉलेजेस है उसमें इंजीनियर ही एडमिशन ले रहे हैं सर इंजीनियर एडमिशन ले रहे हैं क्या फेगर कोई भी आई आई एम की साइट चेक कर लो जिसमें डेमोग्राफिक डेटा रहता है कि कहाँ से एडमिशन हो रहे हैं मतलब कौन से एरिया से हो रहे हैं क्या एज ग्रुप है क्या जेंडर है क्या, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है तो मेजोरिटी आप देखोगे आई आई एम में से आई आई टी वाले ही तो जाते हैं बिकॉज उनको वो एग्जाम फेवरेबल रहता है जो कैट होता है उसमें मैथ्स रीजनिंग लॉजिक ये सब के एग्जाम होते हैं सी ए स्टूडेंट्स को मैं ऐसा नहीं वो कोई स्टेटमेंट नहीं फेंक रहा हूँ बट मैंने जितना देखा है मेरे सब दोस्त है सेवेंटी परसेंट लोगों को हमको वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह समझता ही नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं ऑब्वियस बात है हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत अच्छे से आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंस वो प्रॉब्लम है तो आप देखोगे नाइन्टी परसेंट अच्छी एम बी में तो साइंस वाले लोग ही एडमिशन ले रहे हैं। समझ रहे तो प्रॉब्लम है कि एंट्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कंपेरेटिव टू एग्जिट अच्छा है ईजी है पर ऐसा नहीं है बहुत लोग ऐसा बोलते कि सिर्फ दो तीन साल निकालने रहते हैं आपको दो तीन साल निकालने रह, नहीं रहते मेरे भाई ख़ुद कर रहा था तो मुझे पता है कि वहां पे इतना प्रेजेंटेशन मतलब अगर आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो तो वहां पे आपको इतना ओपन अप किया जाएगा उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है बट जब आप वहाँ से निकलोगे तो ऑबियसली बात है आपके पास ऐसी कुछ स्किल्स रहने वाली है जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन uh, स्किल्स है बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल है जो कि सी में कम होती है कम्पेरेटिव तो जिससे आप अच्छा सैलरी uh, बेसिकली सीधी बात करते हैं वो फैच कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट की कुछ बात की एंट्री सी ए में है एम में डिफ़िकल्ट है एग्जिट सी में बहुत डिफिकल्ट है एम में कंपेरेटिव ईजी है फिर फी की बात करते हैं फीस की बात करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका ड्यूरेशन क्या है सीए का ड्यूरेशन अगर आप फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर लेते हो तो 4.5 इयर्स के आसपास लग लगेंगे पांच साल के आसपास और एक दो अटेम्प्ट लग जाता है जो कि नॉर्मली लगता है तो मतलब छह साल के बीच में आप हो जाते हो सीए बन जाते हो और उसके बाद सबका अपना टैलेंट है सिचुएशंस होती है सबकी लाइफ की भाई किसी को वो नहीं करना चाहिए अब मे भी लाइफ की अपनी अपनी सिचुएशंस होती है जिस पर थोड़ा टाइम लग जाता है जनरली छः साल तक हो जाता है सी कोई इशू नहीं है ठीक है फी की बात कर और एम में कितना टाइम लगेगा दो साल लगेगा ये सबसे बड़ा मिथ है दो साल लगेगा कहाँ से आफ्टर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद जब आप कैट का एग्जाम दे दोगे आपने ग्रेजुएशन के लिए तीन साल निकाले करेक्ट है उसके बाद आपने कैट का एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आया उसके जब आफ्टर प्रोसीडिंग के बाद दो साल बट सीए में आप देखोगे तो 12th के बाद टीम साल आपका सीए स्टार्ट है अगर आप तक सीए इंटर क्लियर कर लेते हो तो आपका स्टार्ट आपकाल इंटर्नशिप है आर्टिकल से आपको पता है तीन साल करनी रहती है अगर आप फोर्टीन में मतलब ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में सीए ए इंटर क्लियर कर लेते हो जो कि आराम से हो सकता है तो उसके बाद आपका ग्रेजुएशन के एक साल बाद तक आप क्या कर सकते हो फाइनल का अटेम्प्ट दे सकते हो दो साल बाद तक ठीक है आप क्या कर सकते हो फाइनल का अटैम्प दे सकते हो अगर आप फाइनल का अटैम्प वो टाइम पे दे देते हो तो आपको भी तो अप्रोक्सीमेटली टाइम इतना ही लग रहा है ग्रेजुएशन तो वो भी कर रहे थे ग्रेजुएशन आपने भी किया अगर कोई सी स्टूडेंट ग्रेजुएट कर रहा है तो उसका बी में कितना अलग वट होता है आपने कभी देखा वो ऐसा कॉलेज में आता है तो लगता है भाई कोई आया है

बट सी ए काम थोड़ा सा कम्पेरेटिव अलग है आ, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा पहले आपको ग्रेजुएशन करनी है जो कि सी ए आप ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हो तो ये आ, लोग भूल जाते हैं कि हम पाँच छः साल सी ए में लग जाएंगे बट एम बी ए में दो साल ही लगेंगे पर दो साल कहाँ से लगेंगे वो भी तो आप देखो आपने ग्रेजुएशन जो आईआईटी करके आई एम कर रहा है तो उसने ऑलरेडी अपना इंजीनियरिंग किया है उसके बाद उसने क्या किया है आई किया है ठीक है उसके बाद और दो साल उसने वहां लगाए तो वो आप देख सकते हो फिर बात करते हैं फी की सी का जो इंस्टीट्यूट का फीस है अगर तीनों लेवल सब कुछ मिला दे तो एक लाख रुपए के अंदर अंदर आपका सी हो जाएगा क्या बात कर रहे हो बिल्कुल हो जाएगा दस बारह हजार फाउंडेशन का लगता है मेरे टाइम तो छः हजार रुपये लगता था आ, इंटर का आजकल कुछ अठारह बीस हजार लगता है मेरे टाइम छः हजार लगता था फाइनल का मेरे टाइम भी ट्वेंटी टू लगता था अभी भी ट्वेंटी टू लगता है तो अप्रोक्सीमेटली ये कोर्स है प्लस कुछ ये लोग अलग अलग कोर्सेज कराते रहते हैं जो कि मैंडेटरी पार्ट है सी कोर्स का सिक्स थाउजेंड ऐसा कुछ दो तो, चार कोर्स होते हैं ड्यूरिंग द होल फाइव ईयर्स तो वो कर लो उसके बाद आपका टोटल वन लैख के अंदर अंदर सीए हो जाता है उसके बाद आपको कोचिंग करना है तो दैट इज योर चॉइस आप कर सकते हो ठीक है अच्छी से बुरी जो भी है आपका लिस्ट रहता है उसमें से आप क्या कर सकते हो चूज कर सकते हो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो भी मैक्सिमम वन पॉइंट से ज़्यादा नहीं होने वाला है पूरे पाँच साल तक सिंपल है और आप आर्टिकलशिप में करोगे मिनिमम आपका 1 ,000 ,000 से 1 ,000 ,000 तो हो जाएगा ड्यूरिंग so, थ्री खर्चा हो जाता है एमबीए की बात करें तो कोई गारंटी नहीं है दस लाख से लेके थर्टी लाख तक थर्टी लाख भी मैंने देखा हुआ है और दस लाख भी देखा हुआ है उससे कम वाले मैं वो कंपेयर नहीं कर रहा जो नॉर्मल वगैरह कराते वो मैं सीए से कंपेयर कर ही नहीं रहा ठीक है तो टेन टू थर्टी लाख के आसपास आपका क्या हो सकता है आ, खर्चा हो सकता है आ, पर अगर आप क्रैक कर लेते हो ना इतना तो आपको एजुकेशन लोन वगैरह मिल जाता है दैट इज नॉट एन इश्यू बट यहाँ पे आपका खर्चा लगता ही नहीं है नॉमिनल खर्चा है सी ए में बट हार्डवर्क आपको एक्सट्रीम करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे भी करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा इनिशियली तो ऑब्वियसली आपको एंट्री लेने के लिए ही करना पड़ रहा है क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है उसके बाद बात करें तो हु कैन अप्लाई

सीए को पावर देता है बहुत सारी पावर देता है जैसे आपके पास स्टैचूटरी ऑडिट है आपके पास टैक्स ऑडिट है आपके पास जीएसटी ऑडिट है ये सब काम सी ही कर सकता है ये स्टेट और टैक्स तो सिर्फ सी कर सकता है जीएसटी में सी और सी एम दोनों कर सकते हैं ठीक ये तो सिर्फ 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 सीए ही ये काम कर सकता है और ये सीए ए सी दोनों कर सकते हैं कोई इशू नहीं तो फिर भी सीए को पावर तो है एमबीए को एज मतलब इतना कोई पावर है नहीं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा बोल बोल नहीं रही कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो करेक्ट है बट सी को यहाँ पे पावर दिया है कुछ दिया भी होगा तो मेरे मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल तो आप वो कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि ऐसा कोई काम है क्या जो सिर्फ एम कर सकता है मुझे तो नहीं पता है मेरे एक्सपीरियंस में कभी आया नहीं ठीक है फिर बात करते हैं सैलरी की सैलरी एक ऐसी चीज है ना जिसको कोर्सेज के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए ये जो कोर्स होते हैं ना वो कैसे सैलरी प्रोवाइड करते हैं कि ये डिग्री का बेस वैल्यू इतना सैलरी तो आपको मिलेगा तो अगर आप सी ए करते हो तो मिनिमम आपको फिफ्टी थाउजेंड का सैलरी तो मिल ही जाएगा आप भले ही मतलब कैसे भी सी हो बस थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई की रहनी चाहिए अच्छे से पढ़ाई तो की है तभी पास हुआ थोड़ा बहुत काम आना चाहिए आपको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का मिनिमम पैकेज मिल जाता है मंथली एम बी ए को डिफर करता है ह्यूज मतलब डिफरेंस है किसी किसी को मंथली टू लाख भी मिलता है मतलब ट्वेंटी फोर लैख पर एनम और किसी किसी को फिफ्टी के भी मिलता है किसी किसी को वन लाख भी मिलता है पर आप यहाँ पे देखो जो एम बी ए को आप ट्वेंटी ,00 कर रहे हो ना जो आई आई एम अहमदाबाद वगैरह से मिलता है वो कुछ इंस्टीट्यूट से ही उतना मिलता है पर आप एक चीज़ नहीं देख रहे हो ये ट्वेंटी ,00 है और कैसे मिल रहा है आपने पहले से आई क्रैक कर चुके हो आप पहले से कुछ सी वगैरह कर चुके हो उसके बाद बहुत सारे लोग करते हैं मैं वेबसाइट पे जाके आपको डेटा बता सकता हूँ पर आप खुद देखिए ना क्यों नहीं देख सकते अगर आपको अपना करियर डिसीजन लेना है तो एक बार आपको देखना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिशन किसके साथ है आई वालों से सी वालों से ये सब ऑलरेडी आपने किया है आप ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रहे थे उसके बाद आपने दो साल और एम पे लगाए बट आप सी ए स्टूडेंट को देखो जनरली सी ए स्टूडेंट सी बनता है 23, 24, 25 ये सब एज में मिनिमम ट्वेंटी टू ट्वेंटी होता है और मैक्सिमम तो भाई मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है आज ही मैंने एक फोटो देखा था जिसमें फिफ्टी नाइन की लेडी भी एक सी बनी थी तो मैक्सिमम का कुछ है नहीं एवरेज एज पकड़े तो ट्वेंटी फोर में मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं वो बन चुके थे ठीक है

उसके बाद उनको ट्वेंटी फोर लाख ट्वेंटी फाइव लाख मिल रहा है उनके लिए भाई वो कॉमन है और मैं ऐसा कहीं नहीं बोल रहा कि सिर्फ आईआईटी वाले ही एमबीए बी ए बाकी लोग भी करते हैं नो डाउट उनके लिए ऑब्वियसली बात है वो बहुत बड़ी बात होती है पर मेजॉरिटी आप देखोगे तो वहाँ से ये लोग आते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ग्राउंड से आ, फिर बात करते हैं सैलरी के बारे में तो सैलरी मैंने बोला यहाँ पे सिक्स सेवन लैख एट लाख का एवरेज होता है एट लाख का पैकेज आपको एवरेज मिल जाता है सी को जो कि आपका क्या होता है फिर बढ़ता है कहा तक पड़ता है मेरे फ्रेंड्स का मैं एवरेज बताता हूँ जिनका सिक्स लैख स्टार्ट हुआ था दो साल बाद एट नाइन लैक हो गया उसके एक दो साल बाद इलेवन टैक हो गया प्रोवाइडेड आप प्रॉपर प्लान करते हो स्विच करते हो एक कंपनी से दूसरे कंपनी ये सब चीजें ठीक है जॉब अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है सीए देखो दो तीन काम कर सकता है खुद की प्रैक्टिस खोल सकता है खुद की प्रैक्टिस मतलब क्या खुद गवर्नमेंट पावर देती है तुम ऑडिट ऑडिट करते हो साथ पे छोटे मोटे रिटर्न भी फाइल कर लेना जीएसटी का काम कर लेना कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह जो होती है सबका ऑडिट होता है तुम करते बैठो पूरा साल बैठ के ऑडिट उससे अगर स्टार्टिंग में इनकम लो होगा फिर एक टाइम के बाद आपका क्लाइंट बेस बढ़ जाएगा तो आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और दूसरा आप क्या कर सकते हो जॉब में जा सकते हो एम का बात करें तो एम बी की प्रैक्टिस तो अपना बेसिकली खोल नहीं सकते बिजनेस अपना कर सकते हैं जो सी ए बिजनेस कर सकते है एक्स्ट्रा और या फिर आप क्या कर सकते हो बिजनेस के अलावा आप सिंपल सा काम कर सकते हो आप जॉब कर सकते हो एक सेकेंड यहाँ पे कुछ आ रहा है मैं देखता हूँ एम बी ए बेसिकली या तो खुद का अपना बिजनेस कर सकता है या सैलरी कर जॉब कर सकता है जिसमें उसको सैलरी मिलेगा मैंने जैसे क्या होता है सी ए में तीन साल का आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है तो मैंने तीन साल का इंटर्नशिप किया था उसके बाद मैंने थ्री मंथ्स का एक स्टार्टअप था मल्टी नेशनल कंपनी उसमें इंटर्नशिप भी किया था ठीक है तो वो इंटर्नशिप पर मैंने ऐसा लगा था सी एस जो होते हैं ना उनका मैंने खुद ने सुना है, क्योंकि हम सी ए फ में काम करते थे ऐसा वो लोग बोलते हैं कि सी ए आर सुपीरियर देन एम बी ए पता नहीं क्यों बोलते भाई कोई लॉजिक नहीं है तो कैसा होता है एक सी ए स्टूडेंट का बचपन से हो जाता है तो उसके दिमाग में ये चीज रहती है पर जब भी वहां पर देखा तो पता चला वहाँ पे एम बी ए का एस एम बी ए उन्होंने एस पी जैन से किया था वहाँ पर जितने भी लोग थे ना उन्होंने एस पी जैन से एम बी ए किया था जितने भी लोग नहीं मतलब फिनांस टीम में कुछ दस बारह लोग का नया नया एज ए इंटर्नशिप ज्वाइन हुआ था और दस पंद्रह लोग थे सब ने थर्टी थर्टी लाख रुपीज़ पे किया था कुछ थर्टी फाइव लाख थर्टी के आसपास वो कुछ ग्लोबल एम बी ए होता है उनका तो उनको इंटर्नशिप में फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ मिल रहा था फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ इंटर्नशिप में मिल रहा था दैट इज़ वेरी गुड अमाउंट पता है इंटर्नशिप में अगर आपको फिफ्टी मिल रहा था जब परमानेंट हो जाओगे तो ऑब्वियसली वो सेवेंटी एटी होने वाला है और वहाँ पे जो सी ए था वो सी एफ ओ था <laughs> तो वो कंपनी का और उसका मंथली पैकेज एग्जैक्ट नहीं पता मुझे रूमर्स है उनका सबका एग्जैक्ट पता था क्योंकि पता चल जाता है सी एफ ओ का नहीं पता चलता भाई पर ऐसे रूमर्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली थ्री लाख रुपीज़ मंथ था जो सी ए रैंक होल्डर था तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं ना सी एस का प्रेजेंटेशन स्किल वगैरह नहीं होता और उसके नीचे कुछ एम बी एस थे उनका भी अच्छा वन पॉइंट फाइव टू लैख के आसपास का सैलरी था नो no डाउट और इंटर्म्स का मैं बता रहा हूँ फिफ्टी थाउजेंड सो इट डजेंट मैटर कि आप क्या दोनों अच्छे हैं दोनों प्रीमियम कोर्स है कॉमर्स में आप क्या करना चाहोगे आप किसी के पास अफोर्ड ही नहीं कर सकता थर्टी थर्टी फाइव लाख तो वो एम बी ए कैसे करेगा यार तो उसको सी ए करना पड़ेगा बहुत मेहनत है बहुत मेहनत है एम बी ए में उतना मेहनत नहीं सिर्फ एक बार मेहनत करना है इंटर्नशिप वो आप जब आपका एंट्री का एग्ज़ाम दोगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसमें मेहनत करना है कैट में बट बाद में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पर बाद में नहीं करना है इतना पर यहाँ पे आपको हर लेवल पे करना है अगर आप दो लेवल में अच्छे मार्क्स आके क्लियर भी हो जाते हैं और फाइनल में अटक जाते हो तो आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी फंस सकती है बट यहाँ पे एक और फ़ायदा है जो कि सीए में है अगर आप फाइनल में जाके अटक जाते हो तो यहाँ पे एक आपको, आपको, सेमी सेमी आपको मिनिमम बोल रहा हूं अगर आप खुद से इंटरव्यू देने जाओगे तो भी आपको थर्टी टू थर्टी फाइव थाउजेंड का सैलरी इनिशियल मिल जाता है फिर तो काम के साथ वो बढ़ जाता है करेक्ट है बट एमबीए के केस में अगर आपका एंट्रेंस नहीं हुआ आपने दो अटेम्प्ट दे दिए कैट के और आपका नहीं हुआ और ईयरली कैट का एग्ज़ाम होता है बट सी का एग्ज़ाम एक, एक साल में दो बार होता है ये फ़ायदा है तो अगर आपने नहीं दिया एग्ज़ाम मतलब अगर आपका दो साल तक नहीं होता है तो आपको कोई ऐसा प्रोफाइल कोई टैग नहीं मिलने वाला है कि जिससे आप क्या प्रूव कर सको जिससे आप प्रूव कर सको कि मै बी नॉलेजेबल हो वो रिस्पेक्ट वो नहीं दिया जाता वो एक कंस्टेंट है जो कि प्रॉब्लम है सीए में एक और फायदा है अगर आप फाइनल में आके आप, अभी आपका सीए फाइनल नहीं होता तो एक ए सी करके कोर्स होता है जो कि 80 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है यूके बेस्ड कोर्स है मतलब यूके का सी बोल लो ना ऐसा तो उसमें आपके उसके थर्टीन पेपर्स होते हैं ठीक है और तीन साल का आर्टिकलशिप उसमें भी होता है तो अगर आप फाइनल के हो तो ये तीन साल का आर्टिकलशिप आपका माफ़ हो जाता है और यहाँ से कुछ आठ नौ पेपर मैंने सुना है एग्जैक्ट नहीं पता पर यही फैक्ट है मतलब मेरे फ्रेंड खुद के फ्रेंड कर रहे हैं तो ये सुना हुआ है तो आठ से नौ पेपर जो है वो माफ हो जाते हैं मतलब तीन चार पेपर ही करने रहते हैं सो so, भाई बेटर है ना क्यों नहीं बेटर है तो मतलब अगर यहाँ से आप नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पर सी ये उनके लिए नहीं है कि जो थोड़ा बोलते हैं ना घिसना पड़ता है यार नहीं पॉसिबल है और सबको क्यों घिसता है जब आपके पास दूसरे पावर्स है तो आप वहां से कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप अच्छी जगह से कर देते हो तो आपका ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा पे सीए का जो इनिशियल पे होता है उससे अच्छा पे आपको मिलेगा ये तो साफ साफ इंडस्ट्री में देखा जाता है आ, तो मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैंने कुछ इनिशियल पार्ट्स पहला पार्ट में सीए वर्सेज एम बी कुछ इनिशियल जो बातें होती है वो कवर करने की कोशिश की है जिसमें आपका बेसिक बेसिक चीजें थी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए और क्या चाहिए एक सी ए सीएस सी एस का भी वीडियो पहले डाला है वो आप देख सकते हैं जाके आ, और कोई सजेशन है तो आप क्या करिए कमेंट में आप मेरे को बता दीजिए वीडियो लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो भी है वो आप कर देना कोई इश्यू नहीं है चलो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग वीडियो बेस्ट